दोस्तों, मैं शहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड, आज मैं आपको इंडक्शन कुकटॉप के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। फ्रेंड, आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इंडक्शन कुकटॉप को सही तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप अपने इंडक्शन कुकटॉप को जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका इंडक्शन कुकटॉप कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं और जो कस्टमर इसको इस्तेमाल करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि इंडक्शन कुकटॉप को सही तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से सेफ्टी पॉइंट हैं, और अगर आपको वह हमेशा याद रहेंगे तो आपका इंडक्शन कुकटॉप कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो सबसे मेन चीज़ है इंडक्शन कुकटॉप में, वो है इसकी इंडक्शन कॉइल, और उसकी इंडक्शन कॉइल का इंडिकेटर यहाँ पर ऊपर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कई लोग क्या करते हैं, जब कोई बर्तन होता है और हम इसके ऊपर रखते हैं तो उसको सेंटर में नहीं रखते हैं, वो या तो इधर रखते हैं या फिर इधर रखते हैं। उससे दिक्कत ये होती है कि जो उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन कॉइल होती है वह गोल होती है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, और अगर आप इसको बीच में रखेंगे तो उसकी यूनिफॉर्मिटी ख़राब हो जाती है और आपका बर्तन सही तरीके से यानी कि यूनिफॉर्मली हीट नहीं होता है। उससे बिजली का कंजप्शन ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा पड़ता है, और इंडक्शन कॉइल के ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें बिल्कुल सेंटर में रखें। और दूसरी चीज़ है, इसमें यहाँ पर इंडिकेशन ये भी दे रखा है इसकी कि इसकी इंडक्शन कॉइल कितनी बड़ी है, इसका भी आप ध्यान रखें। बर्तन का चुनाव इस तरीके से करें कि इस कॉइल से बाहर नहीं निकल पाए। फ्रेंड, जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है इंडक्शन कुकटॉप को ख़राब होने का, वह है इसको इंडक्शन कुकटॉप को एकदम बंद कर देना। जब हम इसके अंदर कोई भी कुकिंग करते हैं और उसके बाद जब इस बटन से हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, तो बंद करने के बाद 10-20 सेकंड तक इसका फ़ैन चलता रहता है। वह फ़ैन क्या करता है, इसके अंदर जितनी भी हीट इकट्ठी हुई होती है उसको वह फ़ैन बाहर कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्विच को डायरेक्ट बंद कर देते हैं, जिससे कि वह फ़ैन चलना बंद हो जाता है, हीट इसके अंदर रह जाती है तो ये अंदर से जल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, ये अंदर से किस तरीके का जल जाता है। देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये इंडक्शन कुकटॉप है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसके फ़ैन को 10 सेकंड तक जलने नहीं देंगे तो इसके अंदर किस तरीके की दिक्कत आएगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए साइड से ये जला हुआ है। ये जला इसलिए हुआ है कि इसके अंदर हीट इकट्ठा थी, इसको डायरेक्ट बंद किया गया, हीट इसके अंदर रह गई, बाहर नहीं निकल पाई और ये जल गया, इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी है वह जल गई। तो इस तरीके से इस बात का आप ध्यान रखें, फ़ैन को जलने दें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वह किस तरीके से आपको करना है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर देंगे, और ये देखिए इसको ऑन करा, 120 दिखा रहा है, ये देखिए पानी हमारा गर्म हो गया, स्टार्ट हो गया। इसको अब हम ऑफ़ कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको ऑफ़ करेंगे, इसको यहाँ से ऑफ़ करना है, स्विच पे से वहाँ से बंद नहीं करना है। अब देखिए इसका फ़ैन लगातार चल रहा है, जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई होगी उसको फ़ैन बाहर से बाहर कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका फ़ैन यहाँ से हवा को सक कर रहा है और यहाँ से हवा को बाहर निकाल रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो भी इसके अंदर की हीट है वो यहाँ से बाहर निकल रही है। तो यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और ये भी सुनिश्चित करें कि ये फ़ैन गंदा ना हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धूल जम जाती है, और अगर जब यहाँ पे धूल जम जाती है तो इसको हवा यहाँ से सक करने में दिक्कत आती है, उससे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, हीट जितनी बाहर निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकल पाती है और ये ख़राब होने लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें फ्रेंड कि इसकी यहाँ पर सफाई इसकी करते रहें, इसके अंदर यहाँ धूल जमा ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और फ्रेंड, इसका तीसरा सेफ्टी पॉइंट ये है कि जो इसका स्विच है जहाँ पर आप इसको लगाएं, वह ऐसे लगाएं कि ये लूजिंग ना हो। जैसे कि यहाँ पर ये अडेप्टर लगा हुआ है, एक्सटर्नल अडेप्टर, अगर आप इसके अंदर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लूजिंग हो रही है। लूजिंग होगी तो स्पार्किंग होगी, जिससे कि इसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी, तो वह भी नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो आपको इसका स्विच बेहतर इस्तेमाल करना होगा, बेहतर स्विच इस्तेमाल करिए जो कम से कम 15 एम्पियर लेता हो वाला स्विच इसके अंदर इस्तेमाल करिए। और ये सुनिश्चित करें कि जब आप इसको सॉकेट के अंदर लगाएं तो ये बिल्कुल फिट हो जाए, बिल्कुल भी हिले ना,
हिलेगा, स्पार्किंग होगी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी, इसके अंदर कोई ना कोई एरर जनरेट होगा जो कि आपको समस्या देता रहेगा। तो इस चीज़ का भी फ्रेंड आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स का चौथा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वह यह है कि जैसे इसका खाना पक जाए, इसका स्विच बाद में बंद करना है आपको, पहले आपको इस इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर से उस बर्तन को हटा लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है वह, इसको इसके ऊपर छोड़ना नहीं है। अब जैसे कि ये हुआ तो सबसे पहले आप इसको उठा लें, बर्तन को उठा के रख लिया, उसके बाद इसको बंद कर दिया। ये नहीं है कि इसको बंद कर दिया उसके बाद 5-10 मिनट तक बर्तन ऐसे ही इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर रखा हुआ है, वह बहुत ज़्यादा ख़राब है और इंडक्शन कुकटॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, उससे ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ एक पॉइंट जुड़कर ये आता है कि इसका कोई आप इसके अंदर कोई भी सामान को फ्रेंड, दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि इसके अंदर आप कोई भी खाना पका रहे हैं तो उसका पानी या कोई भी उसके अंदर जो चीज़ पक रही है वह बाहर निकल जाएगी, तो फौरन तुरंत ही उसको साफ करना है। ये नहीं है कि खाना पक रहा है उसके अंदर से यहाँ पर गिर रहा है और आप सोचें कि आप उसको बाद में साफ़ करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वह इसके अंदर गिरेगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा गैप है, अंदर चला जाएगा, बटर पैनल के अंदर चला जाएगा, बटर पैनल काम करने बंद कर देंगे, साइड से अंदर चला जाएगा, कहीं पर पानी ने अगर शॉर्ट कर दिया तो पूरा पूरा इसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा, इसका IGBT उड़ जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो जैसे ही इसके ऊपर कुछ गिरे, सबसे पहले या तो एक काम करें, खाना रोक दें, बंद कर दें, सबसे पहले उसको साफ़ करें, उसके बाद अपना खाना बनाना कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड इस चीज़ का भी आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें।